जय श्री राम दोस्तों, मैं हूं देवेश। दोस्तों, आपको तो जानकारी है तमिलनाडु में जो न्यूक्लियर पावर प्लांट बन रहे हैं वह भारत और रूस के आपसी सहयोग का एक अच्छा उदाहरण है। उस न्यूक्लियर पावर प्लांट में जिस परमाणु ईंधन का इस्तेमाल किया जाता है वह ईंधन आता है रूस। रूस की कंपनी सप्लाई करती है परमाणु ईंधन। तो अभी तक जो परमाणु ईंधन भारत आता था उसमें कई सारी दिक्कतें थी। उन सभी दिक्कतों को एक बार में दूर कर दिया है रूस ने। दरअसल रूस ने भारत भेजा है पहला शिपमेंट अपग्रेडेड फ्यूल का। मतलब अब भारत आ रहा है एकदम नया परमाणु ईंधन। यह जो नया परमाणु ईंधन है वह पहले आने वाले परमाणु ईंधन से सस्ता है। साथ में इससे जो एनर्जी निकलती है वह ज्यादा निकलती है और प्लांट भी मक्खन की तरह चलता है। कुल मिलाकर हर दृष्टिकोण से यह जो ईंधन है वह बेहतर। ईंधन होना भी ऐसा चाहिए कि वह सस्ता पड़े और उससे ऊर्जा ज्यादा मिले। अब दोस्तों, आप में से कुछ लोग कहेंगे ये तो अपेक्षित था, कोई बड़ी बात नहीं है। तो दोस्तों जरा ध्यान दीजिए, यह जो परमाणु ईंधन रूस ने भारत को पहली बार सप्लाई किया है उसका सबसे पहले रूस ने इस्तेमाल किया और रूस में इस परमाणु ईंधन का इस्तेमाल करने से जो परिणाम आए हैं वो आश्चर्यजनक आए हैं। पूरी दुनिया के लोग मुंह में उंगली दबाए बैठे हैं कि भाई साहब, रूस ने इतना बढ़िया परमाणु ईंधन कैसे विकसित कर लिया। क्योंकि यह परमाणु ईंधन रूस में अच्छे से काम कर रहा था इसलिए फिर चीन ने मांगा तो रूस ने चीन को भी दे दिया। अब चीन के बाद भारत आया है ये परमाणु ईंधन। जल्दी ही इस परमाणु ईंधन को न्यूक्लियर रिएक्टर में लोड कर दिया जाएगा और इससे ऊर्जा उत्पादन चालू हो जाएगा। इस प्रकार रूस ने जो भारत के साथ न्यूक्लियर कमिटमेंट किया था उस कमिटमेंट पर खरा उतरा है रूस। अभी जबकि रूस युद्ध में व्यस्त है उसके बावजूद भारतीय परमाणु रिएक्टर्स के लिए रूस जो है ईंधन सप्लाई कर रहा है। नहीं तो बनाने को रूस हजारों बहाने बना सकता था, लेकिन फिर भी रूस अपने वादे पर खरा उतरा है। भारतीय परमाणु संयंत्रों के लिए ईंधन आ गया है वह भी समय के पहले। दोस्तों आपको तो जानकारी है, एक दो सप्ताह पहले जमाने भर में हल्ला हो रखा था। बड़े बड़े विद्वानों ने अखबारों में लिख भी दिया था कि रूस यूक्रेन युद्ध में रूस की पराजय हो चुकी है। अब तो पुतिन साहब का कहना यह है कि अभी तो 2 महीने हुए हैं, हम तो 20 साल तक युद्ध लड़ने के लिए तैयार बैठे हैं। इधर पुतिन साहब कमर कस रहे हैं 20 सालों तक युद्ध लड़ने की, तो उधर जेलेंस्की साहब के पांव कांप रहे हैं। उनका कहना यह है कि पश्चिमी देश जो है इंटरेस्ट लूज कर रहे हैं। पश्चिमी देशों की समस्या भी यही है, हम सभी ने अफगानिस्तान में देखा है। इससे पहले कि पश्चिमी देश युद्ध हारें वह इंटरेस्ट हार जाते हैं, उनको युद्ध में मजा आना बंद हो जाता है। उनको चाहिए क्विक रिजल्ट, जल्दी से रिजल्ट चाहिए उनको। इसलिए यूक्रेन को डर सता रहा है कि इससे पहले कि पुतिन साहब हार माने ऐसा ना हो कि बाइडेन साहब दिमागी हार मान। यदि आप अमेरिकन पॉलिटिक्स को जानते होंगे तो इसी साल के अंत में वहां पर जो है लोकसभा के चुनाव होने हैं, उस चुनाव में बाइडेन की लुटिया डूब जाएगी इसकी संभावना बहुत अधिक प्रबल हो गई है। उसके बाद बाइडेन बन जाएंगे लंगड़े राष्ट्रपति। इसलिए पुतिन साहब खेल रहे हैं लंबा गेम। अब दोस्तों, अभी जिस तरह से घटनाक्रम अनफोल्ड हो रहा है उसको देखकर आपको क्या लगता है, क्या वास्तव में विद्वानों के कहे अनुसार पुतिन साहब युद्ध हार चुके हैं? आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। साथ में दोस्तों, वीडियो खत्म करने के पहले ध्यान से सुनिए, आप काम की बात है। शेयर मार्केट में जब भी आप कोई स्टॉक्स खरीदते हैं तो सबसे अधिक डर रहता है कि शेयर खरीदने के बाद उसका भाव ना टूट जाए। लेकिन इस तरह की अनेक रिस्क मैनेजमेंट और हेजिंग की स्ट्रेटजीज होती हैं जिनके माध्यम से आप यदि निवेश करें तो मार्केट में यदि भाव टूटता भी है तो आपको होगा प्रॉफिट। मतलब मार्केट में कोई भी मौसम रहे आपके मुंह पर हमेशा रहेगी मुस्कान। यदि आप रिस्क मैनेजमेंट और हेजिंग के लिए गिरते हुए मार्केट में मुनाफा कमाने के लिए फ्यूचर्स को समझना और सीखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है लिंक, उस पर आप कर लो क्लिक और ज्वाइन कर लीजिए आत्मनिर्भर फ्यूचर्स कोर्स। यह वीडियो आपने देखा उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।